भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्म स्थली पर रामलीला के भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। कल सोमवार को भगवान श्री राम गर्भगृह में विराजित होंगे। पूरे देश में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मोरवन में भी दो दिवसीय महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें प्रथम दिन रविवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सुबह 10 बजे सरस्वती शिशु मंदिर स्थित बालाजी मंदिर से प्रारंभ हुई। कलश यात्रा में छोटे छोटे बच्चों के राम लक्ष्मण जानकी के स्वरूप की भव्य झांकी बनाई गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। ग्रामीणों द्वारा झांकी में छोटे बच्चों द्वारा राम लक्ष्मण जानकी के स्वरूप की खूब प्रशंसा की। कलश यात्रा का नगर वासियों ने जगह जगह आतिशबाजी के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। कलश यात्रा में महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर सर पर कलश धारण किया एवं पुरुषों ने भी हाथ में भगवा ध्वज लेकर कलश यात्रा की शोभा बढ़ाई। कलश यात्रा में नगरवासी डीजे व ढोल की थाप पर नाचते गाते हुए जय श्री राम के नारे लगाते हुए चल रहे थे। कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष सहित बच्चे शामिल हुए। शोभा यात्रा का समापन लक्ष्मी नारायण बड़े मंदिर पर भगवान की महाआरती कर भगवान को भोग लगाकर उपस्थित सभी भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। नगर में निकली कलश यात्रा में क्षेत्र के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा भी शामिल हुए। यात्रा में बनी राम लक्ष्मण जानकी की झांकी की पूजा अर्चना कर कलश का भी पूजन किया। साथ ही कलश यात्रा में डीजे की थाप पर लोगों के साथ खूब नृत्य किया। दो दिवसीय महोत्सव में मोरवन के सभी मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई। नगर का बड़ा मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां सोमवार को दोपहर अयोध्या मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दो दिवसीय महोत्सव में मोरवन के सभी मंदिरों की विशेष साज सज्जा की गई। नगर का बड़ा मंदिर लक्ष्मी नारायण मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है, जहां सोमवार को दोपहर अयोध्या मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण किया जाएगा। साथ ही संगीतमय भव्य सुंदरकांड का आयोजन रखा गया है और रात्रि में भव्य आतिशबाजी कर मिठाई बांटी जाएगी। मोरवन से आशीष बैरागी की रिपोर्ट।